6 दिसंबर को लगभग 1 बजे जब केंद्र सरकार के गृह मंत्री श्री एस सी चौहान साहब का मेरे पास फोन गया, लेकिन चौहान साहब इस बात को रिकॉर्ड कर लेना कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। कर्मचारियों का किसी रूप में कहीं कोई दोष नहीं, कोई कसूर नहीं, कोई कमी नहीं, सारी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूं, स्वीकार करता हूं। राम मंदिर आंदोलन के सबसे बड़े चेहरों में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का नाम काफी प्रमुखता से लिया जाता है। आज उनकी जयंती है, 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है और ऐसे में भला उन्हें कैसे भूला जा सकता है। उन्होंने 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली और उन्हें देश की सियासत में हिंदुत्व के नायक के रूप में देखा जाता रहा है। 1932 में आज ही के दिन पैदा होने वाले कल्याण सिंह ने इंटर कॉलेज के शिक्षक पद से लेकर मुख्यमंत्री और फिर राज्यपाल बनने तक का पूरा सफर काफी मुश्किलों से तय किया। राम मंदिर आंदोलन के जरिए भाजपा को बुलंदी पर पहुंचाने वाले नेताओं का जब भी नाम लिया जाएगा तो कल्याण सिंह का नाम उसमें सबसे आगे आएगा। अयोध्या में इन दोनों भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की जोरदार तैयारियां चल रही हैं। 22 जनवरी को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम की पूरे देश में खासी चर्चा बनी हुई है। इस मौके पर मंदिर निर्माण में कल्याण सिंह के योगदान को भी याद किया जा रहा है। जब 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचा तोड़ा गया, उस समय उत्तर प्रदेश की कमान कल्याण सिंह के हाथों में थी। विवादित ढांचा तोड़े जाने के बाद कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में कार सेवकों के उग्र तेवर को देखते हुए फैजाबाद जिला प्रशासन की ओर से फायरिंग की परमिशन भी मांगी गई, लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने जिला प्रशासन का ये अनुरोध पूरी तरह ठुकरा दिया। राम मंदिर के शिलान्यास के मौके पर कल्याण सिंह ने भी कहा था कि कार सेवकों पर गोली चलाना मुझे कतई मंजूर नहीं था। अब अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरा होगा। सुप्रीम कोर्ट की ओर से अयोध्या विवाद के निपटारे के बाद ही अयोध्या में भव्य मंदिर के निर्माण का रास्ता पूरी तरह साफ हुआ है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की भूमि पूजन के मौके पर कल्याण सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया में साफ कहा था कि सभी को ये बात मान लेनी चाहिए कि अगर अयोध्या में विवादित ढांचा मौजूद रहता तो इस विवाद के समाधान का रास्ता कभी भी ना निकल पाता। विवादित ढांचा ढह जाने से ही मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो सका है। ढांचा बना रहता तो हमेशा विवाद भी बना रहता और अदालत के लिए भी शायद कोई रास्ता निकाल पाना संभव ना हो पाता। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह हमेशा इस बात को कहते रहे कि उन्हें 6 दिसंबर 1992 का दिन कभी नहीं भूलता जब कार सेवकों पर गोली चलाने के फैसले के लिए उन्होंने पूरी तरह से मना कर दिया। उनका कहना था कि राम भक्त राम भक्तों के खून से हाथ रंगे, ऐसा नहीं हो सकता। जिला प्रशासन उन्हें बता रहा था कि बहुत ज्यादा भीड़ होने के कारण सुरक्षा बलों की टुकड़ियां साकेत महाविद्यालय से आगे नहीं बढ़ पा रहे। अब गोली चलाकर ही उग्र कार सेवकों को काबू में किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में भी कल्याण सिंह ने किसी भी हालत में कार सेवकों पर गोली न चलाने का आदेश दिया। जब कार सेवकों ने 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचे को तोड़ डाला तो कल्याण सिंह ने कहा कि सच्चाई तो ये है कि गुलामी की निशानी जनता को नहीं भाई। आने वाला इतिहास ही इस बात का फैसला करेगा कि ये सही हुआ था या गलत। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं कौन होता हूँ इस कदम को सही या गलत बताने वाला, इस बात का फैसला इतिहास पर छोड़ देना चाहिए। कल्याण सिंह के बेटे और एटा के सांसद राजवीर सिंह राजू का कहना है कि भगवान राम उनके यानी कल्याण सिंह के रोम रोम में बसते थे और वे अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण चाहते थे। आखिरी समय में भी वो अयोध्या जाकर भगवान राम का दर्शन करना चाहते थे। वो इतने बड़े राम भक्त थे जिसका अंदाजा लगा पाना नामुमकिन है। उन्होंने देश हित के लिए और राम भक्तों के लिए पूरी तत्परता से काम किया था। कल्याण सिंह के सियासी सफर की बात करें तो 1967 से 1996 तक वो 9 बार विधायक बने। 1991 में 7वीं बार विधायक बनने के दौरान ही कल्याण सिंह मुख्यमंत्री भी चुने गए। 2004 में बुलंदशहर से भाजपा से सांसद चुने गए। फिर 2009 में एटा से निर्दल सांसद निर्वाचित हुए। साल 2014 में राजस्थान के राज्यपाल बनाए गए और 21 अगस्त 2021 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आज उनकी जयंती पर उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री समेत तमाम भाजपा नेताओं और श्री राम भक्तों ने श्रद्धांजलि दी, उनके साथ किए गए कामों को याद किया। साथ ही ये भी कहा कि कल्याण सिंह ने राम मंदिर का तोहफा दिलाने में काफी बड़ा योगदान दिया था।